अभी तक जानकारी थी कि स्तनपान के बारे में, स्तनपान कैसे होना चाहिए, कितनी बार होनी चाहिए, सिर्फ स्तनपान 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराना है, जिसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। 6 माह के उपरांत जो बच्चे को स्तन से जो दूध मिलता है वो उसकी ऊर्जा के लिए काफ़ी नहीं होता है, उसके रिक्वायरमेंट बढ़ते जाते हैं, यानी कि बच्चे की एक्टिविटी भी बढ़ते जाती है, जैसे कि बच्चा बैठना सीखता है, तो ये सब के लिए अदर एक्टिविटी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि उसे दूध से पूरा नहीं होता है, तब इसे ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है। जनरली आप देखते होंगे कि बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान सही हो रहा है तो बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही है, यानी कि उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही हो रहा है, उससे मिलने वाले जितने पोषक तत्व की आवश्यकता थी वो स्तनपान से पूरी हो रही है। लेकिन तक 6 महीने के उपरांत उसे ऊपरी आहार की आवश्यकता होती है और पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है, तो इस समय हमें सही खान पान इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए बच्चे को सारे खाद्य पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ एक एक करके इंट्रोड्यूस करना चाहिए। एक बार में ही सारे खाद्य पदार्थ देंगे तो बच्चे को स्वाद डेवलप नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले उसे चावल दाल की क्या खिचड़ी बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, और या तो छिलका टाइप का कुछ पॉडीज जिसको कहते हैं वो बना सकते हैं। इसमें ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने के लिए चीनी डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं या तेल, आप अपने ये के अनुसार डाल सकते हैं। शुरू में जो उसका खान पान करना चाहिए, देना चाहिए, स्तनपान जारी रखना है। कब तक? 2 साल तक स्तनपान कंटिन्यू रखना है। जो खाना स्टार्ट करेंगे, शुरू में 3 बड़े चम्मच से स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 बार खिलाएंगे, उसके अलावा स्तनपान देंगे। 8 महीना का होते होते बच्चे को कम से कम आधा कटोरी खाना चाहिए, वो 3 से 4 बार खिलाना है, यानी कि 3 बड़ा खाना और 1 छोटा नाश्ता। 9 महीने के उपरांत बच्चे को 3 बड़े खाने और 2 छोटे खाने देने चाहिए, स्नैक्स आइटम। बच्चे को खुद से खाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे को जब खाना कहाँ खिलाए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे से जब आप खाना खिलाते हैं तो उसका जो वातावरण हो खुशनुमा होना चाहिए। आप उससे बच्चे को खाने के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जैसे आप खाने के बारे में बातचीत करेंगे तो बच्चा भी उत्सुकता के साथ देखेगा। आप खाने का टेस्ट लेके दिखाएंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है, यम्मी, तो बच्चा भी अपना खाना उसी तरह से खाएगा, उत्साह से खाएगा, उसे भी लगेगा कि आप उसकी एक्टिविटी में भागीदार हो रहे हैं। खाना कहाँ खिलाएं? शांत वातावरण में खिलाएं, फैमिली के साथ खाना, जहाँ सारे लोग खाना खा रहे हैं वहाँ उसके साथ बैठा के खिलाएं। उसके लिए अलग से कटोरी या जो प्लेट्स हैं उसमें खाना दें, तो वो भी उसे लगेगा कि ये से खाना खाया जाता है। इससे उसका मानसिक विकास, जैसे आप उससे बातचीत करते हैं तो इससे उसके मानसिक विकास भी होती है। तो इसीलिए बच्चे के साथ जितना इंटरेक्ट करेंगे बच्चा भी उतना आपसे इंटरेक्ट करेगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो इसीलिए खाने का जो मात्रा है वो कितना होना चाहिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए, कितनी बार खिलाते हैं ये जानकारी होनी चाहिए। तीसरी जानकारी कि खाना जो है अर्थोस होना चाहिए शुरू में, यानी कि ना ज़्यादा पानी ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? एक प्लेट में जब आप खाना डालते हैं उसको ढलका के देखेंगे कि धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तब वो सही खाने की कंसिस्टेंसी है। या जैसे कि आप इडली का घोल बनाते हैं या जो जमी हुई दही घी होती है उसको उठा के नीचे गिराते हैं, जिसे धीरे से धीरे धीरे जाता है, तो ये कंसिस्टेंसी होती है। तो उस समय में 6 महीने के उपरांत
उस तरह की कंसिस्टेंसी वाले और ठोस खाना बच्चे को खिलाना चाहिए। 9 महीने के उपरांत बच्चे के दांत आने लगते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े में मसल के उसे खिला सकते हैं। देन 12 महीने के बाद बच्चा कम से कम एक कटोरी खाने लगता है तब वो सही है। नहीं तो जनरली जब पूछा जाता है माँ से कि बच्चे को क्या खिलाते हैं तो जवाब आता है कि दाल का पानी, तो दाल के पानी में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ पानी होता है, इसलिए दाल का पानी नहीं, जो हमारा खाना होता है वही खाना बच्चे को भी खिलाना है, यानी कि दाल चावल सब्जी या रोटी चावल सब्जी या जो भी मोटे अनाज हैं उसे उसके खाने में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दाल दलहन भी होने चाहिए, दूध प्रोटीन के लिए दूध या अंडा बहुत अच्छा है जो कि बच्चे के पचने में भी सहायक होते हैं, तो इसलिए अंडा भी उसके खाने में दे सकते हैं। अंडा मांस मछली कुछ भी आप उसको खिला सकते हैं। तो इस तरह से बच्चे को खाना खिलाना है, इससे उसके शारीरिक और मानसिक विकास मतलब उसके ग्रोथ के लिए जो ऊर्जा चाहिए जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा की रिक्वायरमेंट उसे उस ऊपरी आहार से ही पूरी होती है। तो ये थी जानकारी बच्चे को 6 महीने के उपरांत कैसे खिलाना है। धन्यवाद।